नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों में शाश्वत योगी खेती की जागरूकता के लिए नासिक में सम्मेलन। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेषज्ञों ने दिए कई कारगर सुझाव। महाराष्ट्र के अहमदनगर में लगा जिला स्तरीय आरोग्य मेला। व्यसन मुक्ति और तनाव मुक्ति के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन। ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप्स का सिलसिला चालू। मुंबई के बोरीवली और डोंबिवली समेत बेंगलुरु के बसवानागुड़ी में बच्चों ने दिखाया अपना हुनर। अब खबरें विस्तार से। किसानों में शाश्वत योगी खेती के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नासिक के प्रमिला लॉन में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पाशा भाई पटेल, ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, कृषि विशेषज्ञ बाला साहेब रुगे, कृषि अधिकारी धनंजय वाडेकर, सियादी फार्म के विलास शिंदे, पुणे सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती की उपस्थिति में दीप जलाकर हुआ। संस्था के ग्राम विकास प्रभाग और नासिक सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीके राजू ने कहा कि शाश्वत योगी खेती के जरिए ही किसान सही मायने में तनाव मुक्त और आत्मनिर्भर बन सकता है। ऐसे ही कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने किसानों को खेती के कई विकल्पों पर विचार करने की बात कही। अपने खेतों में सुधार ले आए तो हो सकता है जो आज इतनी बीमारियां हो रही है, इतने रोग बढ़ रहे हैं, कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, उन सबसे लोग आजाद हो सके। कार्यक्रम में अंतिम पढ़ाव में वरिष्ठ बीके बहनों ने किसानों को तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए उसका अभ्यास भी कराया। लोगों को इस आयोजन की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम से पहले शहर के प्रमुख मार्गों में प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसे ही किसानों के लिए दैनिक सकाल समूह और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में एक और सम्मेलन आयोजित हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में दैनिक सकाल के उत्तर महाराष्ट्र आवृत्ति के संपादक डॉक्टर राहुल रनालकर, कृषि मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष पाशा भाई पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल, बीके सुनंदा, बीके बाला साहेब रुके, बीके वासंती समेत कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे और किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार द्वारा सिविल हॉस्पिटल में जिला स्तरीय निःशुल्क आरोग्य मेले का आयोजन हुआ, जिसके शुभारंभ अवसर पर विधायक डॉक्टर सुजय विखे पाटिल, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय गोघरे, डीएचओ डॉक्टर संदीप सांगले, बीके राजेश्वरी, डॉक्टर सुधा कांकरिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मेले में जांच कराने आए शहर वासियों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा व्यसन मुक्ति की युक्तियां बताई गई तथा तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी दी गई। इस आरोग्य मेले के अंतर्गत विविध रोगों के लिए, विविध डिसीज के लिए, उनका प्रिवेंशन होने के लिए और अगर डिसीज हो तो उसके ऊपर उपचार करने के लिए प्रयास किए गए। उसमें से आंखों का शिविर, हार्ट का शिविर, कैंसर का शिविर, डायबिटीज का शिविर, ब्लड प्रेशर का शिविर, ऐसे अलग अलग आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था। और इसके साथ साथ थर तालुका में ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से प्रदर्शनी और मार्गदर्शन भी बहुत अच्छी तरह सफल हो गई। वैसे तो बच्चे पूरे साल पढ़ाई पर फोकस करते हैं, लेकिन समर वेकेशन में दूसरी एक्टिविटीज के जरिए हुनरमंद होने का मौका मिलता है और यही कारण है कि बच्चे भी इस मौके का इंतजार पूरे साल करते हैं। अब इंतजार का वक्त पूरा हो चुका है क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के अलग अलग सेंटर्स पर समर कैंप का आगाज हो चुका है। मुंबई बोरीवली सेंटर पर 5 दिन का समर कैंप 10 से 15 साल के बच्चों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को खेल खेल में विभिन्न तरह की एक्टिविटीज कराई गई। शोल्डर, नी, शोल्डर, रुमाल।
इंडोर गेम और आउटडोर गेम बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इस उद्देश्य से बीके पारुल, बीके तमन्ना ने बच्चों को खेल खेल में मोरल वैल्यूज की शिक्षा दी। आप उठकर आए तो अपने डर को अपने पॉकेट से निकालकर वहीं छोड़ दीजिए, आप अकेले आइए। इसके साथ ही बच्चों के लिए जुम्बा क्लासेस का भी स्पेशल सेशन रखा गया, जिसका बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। पांच दिन के इस कैंप में कई तरह की एक्टिविटीज कराई गई, जिस वजह से बच्चों का हिडन टैलेंट सामने आया। बच्चों के इस टैलेंट को निखारने के लिए बीके जिग्ना, बीके हेतल ने उनको डेली मेडिटेशन के साथ साथ रोज ही लेटर टू गॉड लिखने के लिए प्रेरित किया। एक तरफ जहां बच्चों को योगा क्लासेस, मेडिटेशन एवं एक्टिविटीज कराई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स के लिए भी सेशन रखे गए, जिसमें बीके किरण, बीके कविता ने रिश्तों को मधुर बनाने एवं मेडिटेशन से स्वयं को पावरफुल बनाने की टिप्स दी। ये रिश्ते मेरे जीवन की श्वास है। वहीं कैंप के लास्ट डे वीर सावरकर उद्यान में बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या प्रभा की अध्यक्षता में किड्स कार्निवल फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस पर सेशन रखा गया, जहां बच्चों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर पार्लियामेंट के सदस्य गोपाल शेट्टी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ अपने बचपन के दिनों को याद किया। हैवी सिलेबस का प्रेशर कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र ने भी किड्स के लिए 10 दिन का समर फेस्ट का आयोजन किया है। आपको बता दें, इस समर फेस्ट का आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया गया है, जिसमें डोंबिवली सेंटर, दीवा, लोडा परिप्लाजा, कासारियो समेत कई अन्य स्थानों पर भी बच्चों के लिए समर फेस्ट का आयोजन किया गया। सेंटर प्रभारी बीके शकु की अध्यक्षता में बीके बहनों ने इस फेस्ट के हर दिन की शुरुआत बच्चों को ओम ध्वनि से कराई, साथ ही साथ बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिव मेडिटेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, गॉड माय ऑनलाइन फ्रेंड जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स शामिल किए। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी सेशन रखे गए, जिसमें होलिस्टिक पेरेंटिंग मेडिटेशन के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उन्हें गाइड किया गया। समर फेस्ट के अंतिम दिन बच्चों एवं उनके पेरेंट्स के लिए गेट टुगेदर किया गया, जिसमें शहर के भी जाने माने लोग उपस्थित रहे। इस सुंदर मौके पर बीके शकु ने बच्चों को सौगात सर्टिफिकेट देकर उनका मनोबल बढ़ाया। ऐसा ही समर फेस्ट बेंगलुरु के बसवानागुड़ी के वरदानी भवन पर आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत चलने वाले इस 7 दिवसीय समर फेस्ट में बच्चों को मेमोरी पावर, एकाग्रता को बढ़ाने, लिविंग वैल्यूज, सेल्फ एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई कई एक्टिविटीज कराई गई, जिससे बच्चे अपने अंदर के स्पिरिचुअल पावर को समझ सके। वही वीवी पुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका ने बच्चों को सम्मानित करते हुए उनका उमंग उत्साह बढ़ाया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में उज्जवल समाज सेवी सोसाइटी के युवा संगठन द्वारा सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा से सशक्त युवा विषय पर सेमिनार किया गया। इस सेमिनार में माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान, संस्था सेक्रेटरी सूरज दास, प्रेसिडेंट अनमोल मंडल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ईश्वर के कार्य में मददगार बनते हैं, उनका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश ये कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा आया था, उनका संदेश, उनकी अंगूठी जाकर के सीता को दिखाई थी, सीता को परिचय दिया था, प्राण रावण के कब्जे से जिन्होंने छुड़ाने की मदद की थी, उनका अभी भी याद कर।
वहीं बीके वंदना ने संस्था का परिचय देते हुए राज्ययोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी दी। फरीदाबाद एनआईटी सेंटर पर मेकिंग हेल्दी एंड करप्शन फ्री सोसाइटी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण श्योकन एवं एनआईटी सेवा केंद्र के सहयोग से पब्लिक प्रोग्राम रखा गया। आईपीएस नितिन अग्रवाल, डीसीपी राजेश चेची, प्रसिद्ध अधिवक्ता ओपी शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर समाज से किस प्रकार भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके, इस विषय पर खुलकर चर्चा हुई। सभी ने इस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वही कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियों में मानवता की सेवा करने वाले, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने वाले कर्म योद्धाओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। ओडिशा भुवनेश्वर के बीजेबी सेंटर पर साइंटिस्ट, बैंक ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, आईटी प्रोफेशनल्स, टीचर समेत अपने अपने क्षेत्र में प्रोफेशनल्स लोगों के लिए डिवाइन गेट टुगेदर रखा गया, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्वनी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान सभी ने द्वादश ज्योतिर्लिंगम एग्जीबिशन को देखते हुए सोल और सुप्रीम सोल की नॉलेज प्राप्त की। इसके बाद सभी प्रोफेशनल्स के लिए क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन रखा गया, जहां उन्होंने जीवन में स्पिरिचुअलिटी कैसे मददगार है और जीवन में हर किसी के लिए बहुत उपयोगी है, इस पर चर्चा की। इस गेट टुगेदर में बीके तपस्वनी, अलारपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा, बीके अपराजिता, बीके रेणु, बीके विद्युतलता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अब खबरें एक नजर में। नेपाल के काठमांडू सेवा केंद्र की टीचर्स एवं कुमारियों के लिए रखा गया ऑनलाइन सेशन। संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका डॉक्टर बीके निर्मला, नेपाल जोन की निदेशिका बीके राज ने शेयर किए अपने अनुभव। ऑनलाइन सेशन में जुड़ी कई बीके बहने। राजस्थान अजमेर के वैशाली नगर सेवा केंद्र की ओर से नए राजयोग भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह। इस कार्यक्रम में पाठक जी महाराज, चित्रकूट धाम पुष्कर, पार्षद रूबी जैन, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, बीके इंदिरा समेत कई पदाधिकारी लोग रहे मौजूद। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ। राजस्थान की पवित्र नगरी बिशनगिरी में संतों के लिए कार्यक्रम। बीके अंबिका, बीके रेणु मुख्य रूप से रही उपस्थित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर गर्ल्स कॉलेज NSS की कन्याओं के लिए योग शिविर। बीके ज्योति, बीके अर्चना ने सच्ची समाज सेवा करने पर दिया जोर। शिविर में स्कूल स्टाफ भी रहा मौजूद। मुंबई के कल्याण वेस्ट सेवा केंद्र पर 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका ने दिव्य माता, दिव्य बालक, गर्भ संस्कार पर किया मार्गदर्शन। आरोग्य विभाग, आशा वर्कर की 50 महिलाएं रही उपस्थित। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी पर मार्गदर्शन पर कार्यक्रम का आयोजन। बीके ज्योति ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा मेडिटेशन के विषय पर किया मार्गदर्शन। ऐसे ही कल्याण पूर्व में मुफ्त नेत्र चिकित्सा और मोतियाबिंद शस्त्रक्रिया शिविर। कल्याण पूर्व सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस शिविर में अनेक भाई बहनों ने लिया लाभ। कोलकाता में चेंजिंग वर्ल्ड विद कंपैशन टॉपिक पर यूथ प्रोग्राम। कोलकाता म्यूजियम में आयोजित प्रोग्राम में पूर्व DGP वीरेंद्र जी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, माउंट आबू से बीके शांतनु मुख्य रूप से रहे उपस्थित। बीके शांतनु ने प्रकृति के महत्व को बताते हुए उसकी देखभाल करने में स्वयं के योगदान पर दिया जोर। प्रकृति को किस तरह बेहतर बनाया जा सके, इस पर रखे सभी ने अपने अपने विचार। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली। जिला पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली का शुभारंभ। 15 किलोमीटर की दूरी तय करके हजारों लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति किया जागरूक। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।